हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे आसाम कॉमन एग्जाम्स जो अभी होने वाला है उसके मैथ्स के रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखोगे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 7:5। तो यहाँ दोस्तों पूछ रहा है कि ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों याद रखो कि ट्रिप्लिकेट जो रेशियो होता है ना, अगर जो भी रेशियो आपको दिया हुआ रहेगा उससे क्या करना है, ट्रिप्लिकेट मीन्स अब ये हो गया 3, यानी पावर जो होगा वो 3 कर देंगे। यानी यहाँ पे अब ये 7:5 है, यानी 7:5, तो 7³ रेशियो हो गया आपका दोस्तों 5 का क्यूब। तो 7³ क्या होगा, 343 रेशियो हो गया 5 का क्यूब करोगे, यानी 5 को 3 टाइम्स इंटू करोगे तो 125। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 343:125। तो ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शंस कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कैलकुलेट द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 512:729। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो यहाँ देखोगे पूछ कह रहा है आपसे सब ट्रिप्लिकेट। तो जब भी सब आ जाए ना, तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे ट्रिप्लिकेट है यानी क्यूब रूट, इस तरह से क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स ले लेते हैं रेशियो, ये हो गया क्यूब रूट ऑफ वाई। यानी एक्स और वाई अगर रेशियो गिवेन हो तो इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स रेशियो क्यूब रूट ऑफ वाई। तो अब इसका आंसर क्या होगा, 512। तो 512, अब क्यूब रूट मीन्स क्या होता है, पावर जो है 1/3 हो गया, रेशियो अब ये हो गया 729 का पावर जो हो गया 1/3। तो दोस्तों ये देखोगे इसको क्या हम पावर 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हाँ ये कर सकते हैं। ये कितने का है, तो आपको पता ही है कि 8 का क्यूब है, ये इस तरह से 8 का क्यूब होगा और ये 1/3 है पावर में, रेशियो ये होगा आपका दोस्तों 9 का क्यूब होगा, है ना, इंटू 1/3 हो गया पावर में, ये 3 गया, ये 3 कैंसिल, तो बचा क्या 8, और यहाँ पे क्या बचा 9। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 8:9। ऑप्शंस में देखोगे 8:9 का है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द इन्वर्स रेशियो ऑफ 17:19। तो दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा है कि इन्वर्स रेशियो क्या होगा। तो इन्वर्स मीन्स क्या करेंगे, अब देखोगे जो भी रेशियो आपका गिवन होगा उसको उल्टा कर दोगे, यानी उल्टा मीन्स अब ये जैसे फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो ये जो सेकेंड वाला है ना, अब ये हो जाएगा दोस्तों पहले हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकेंड में, ये हो गया रिवर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इन्वर्स रेशियो क्या हो जाएगा, 19:17। ऑप्शंस में देखो ये कहा है 19:17, तो ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:7 कोमा दिया हुआ है 5:3 एंड 4:7। तो आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, कंपाउंड रेशियो, तो कंपाउंड रेशियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने के चांसेस है, ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों देखोगे इस क्वेश्चंस का आंसर होगा, कंपाउंड रेशियो आपसे पूछ रहा ना, तो इसका एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट्स मीन्स क्या होता है कि आपका न्यूमरेटर यानी पहले वाले को हम लोग बोलते हैं। तो अब ये जितने भी रेशियो है ना, इसका पहला वाला जो है ना, इसको इंटू कर देंगे आपस में एक साथ, तो ये हो जाएगा 2:5:4 एंड देन डिवाइड बाई नेक्स्ट हो जाएगा 7:3 और ये हो गया सेकेंड वाला अगेन यहाँ पे 7, तो 7:3 और ये हो गया 7। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये छोटा हो तो छोटा करेंगे, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये तो कैंसिल होने वाला और कुछ नहीं दिख रहा है, तो 5 2 10 10 को 4 से इंटू करेंगे तो ऊपर हो गया 40। अब नीचे देखेंगे तो 7 को 3 से इंटू करोगे तो 21, अब इसको फिर 7 से इंटू करोगे तो 7 1 7 एंड देन 7 2 हो गया 14। तो आंसर हो गया दोस्तों 40:147 इस क्वेश्चन का कंपाउंड रेशियो। तब ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शंस में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है कि a b इज इक्वल्स टू 3:4 एंड b c दे दिया हुआ है 8:9। देन आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, अब इस क्वेश्चंस को देखो कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ दिया हुआ है a b, तो इसको आप लिख सकते हो a/b है ना इज इक्वल्स टू 3/4, और ये जो दे दिया हुआ है b c, इसको भी आप लिख सकते हो b/c इज इक्वल्स टू 8/9,
तो अब देखोगे आपको करना क्या है, अब यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या है, तो कॉमन आपको बी दिख रहा है, यहाँ भी बी दिख रहा है ना, तो बी का वैल्यू हो गया, ये हो गया 4 और बी का वैल्यू हो गया यहाँ पे 8, तो अब ये है ना 8, तो अब देखोगे यहाँ 4 है, तो 4 को तो हम लोग 8 बना सकते हैं ना, क्योंकि सेम है ना ये, तो सेम करना है, तो कैसे बना सकते हैं, 2 से अगर ऊपर नीचे इंटू कर दे तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 3 6, अब ये हो जाएगा 4 2 8, तो अब देखोगे बी 8 हो गया, यहाँ भी बी 8 है, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तो ए कितना है 3 2 6, यानी यहाँ पे 6 है, तो ये हो गया 6 रेशियो बी, अब बी के लिए क्या है 8, एंड देन सी के लिए क्या हो गया 9, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 रेशियो 8 रेशियो 9, अब देखोगे ऑप्शंस में क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू बी रेशियो सी, देन आपसे पूछ रहा है कि ए का पावर 4 रेशियो बी का पावर 4 क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखोगे इसको आप लिख सकते हो ए बाई बी है ना इज इक्वल्स टू, इसको आप लिख सकते हो बी बाई सी, ठीक है इस तरह से। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू सी, ये ठीक है ए सी हो जाएगा। अच्छा अब ये आपको एक रिलेशन मिला, बट फाइंड करना है ये, तो ए का पावर 4 रेशियो बी का पावर 4, तो ए का पावर 4 डिवाइड बाई बी का पावर 4 है ना, तो अब देखोगे ए का पावर 4 डिवाइड बाई, अब यहाँ देखोगे बी स्क्वायर का वैल्यू ए सी है, तो b का पावर 4 मीन्स बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यही है ना, तो अब देखो b स्क्वायर का वैल्यू ए सी है ए सी, अब फिर उसका क्या करोगे एक स्क्वायर करोगे, यानी दोनों जगह स्क्वायर होगा है ना, तो अब देखोगे ये पावर ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो ये कैंसिल करोगे तो ये 4 माइनस 2 करोगे तो 2 होगा, यानी ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। बट ऑप्शंस में देखोगे तो सारे ऑप्शंस किस में दिए हुए रेशियो में, तो इसको तो आप रेशियो में भी लिख सकते हो ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर है ना, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। अब चेक करोगे ऑप्शंस में क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है 3 रेशियो 5 एंड बी रेशियो सी दे दिया हुआ है 4 रेशियो 7, देन आपसे पूछ रहा है कि ए रेशियो सी क्या होगा, तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो इसको क्या करना है आपको ए बाई बी के फॉर्म में लिखना है, ए बाई बी इज इक्वल्स टू 3/5, इसको भी हम लोग वही करेंगे बी बाई सी इज इक्वल्स टू 4/7, ठीक है। अब यहाँ देखोगे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन तो दोस्तों बी दिख रहा है, तो यहाँ भी बी है ना, तो बी के लिए यहाँ पे 5 है, यहाँ बी के लिए 4 है, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे 4 है ना, तो ये ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या करेंगे 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये ए हो जाएगा दोस्तों 4 3 12, बी हो जाएगा 20, देखोगे यहाँ भी 20 होगा 4 × 5 20, और सी हो जाएगा 7 5 35, ठीक है। बट आपसे पूछ क्या रहा है ए सी, तो ए रेशियो सी, तो ए का वैल्यू क्या है 4 3 हो गया 12 रेशियो, और सी 7 × 5 7 5 35, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 12 रेशियो 35, ऑप्शन नंबर हो गया डी करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।